यस सर। नाउ मेथड्स फॉर शेपिंग ऑफ मेटल्स, तो कास्टिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, अमलगमेशन वी विल डिस्कस इन अनदर चैप्टर, बट कोल्ड वर्किंग विल बी डिस्कस्ड स्पेशली इन दिस चैप्टर। ऑल यू पीपल नो कास्टिंग, द कास्टिंग इज द प्रोसेस फॉर गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ कास्टिंग, एनीथिंग विच इज shaped by melting it and pouring into a mold is called as casting. And amalgamation is to mix up things and they react with one another by affinity. Kya hua afrasi aap, kya hua? कौन हो गया, तो बस ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा जी, अमलगमेशन किसी भी चीज को मिक्स करना, जैसे हम करते हैं डेंटल अमलगम सॉरी सिल्वर टिन अलॉय को विद मर्करी, देन इट अमलगमेट्स एंड ड्यू टू देयर केमिकल एफिनिटी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड वी कैन शेप द मेटल्स। जी क्या हुआ बेटा, क्या कहने चाह रही हैं आप, कहीं बाहर ही तो नहीं निकल गई कुछ करके? सर शायद डिस्कनेक्ट ही हो गई। हाँ लगता यही है, वो बेचारी को डिस्कनेक्ट ही हो गई है। चलें खैर है, कोई ऐसी बात नहीं, दोबारा बात कर लेंगे। एंड नाउ द कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग मीन टू डू। जी बेटा आप क्या कुछ पूछना चाह रही थी जब आप बाहर चली गई? नो सर। सर ये amalgamation का सिल्वर और मर्करी की मिक्सिंग होती है जी। सर बता रही थी, आप बता रही थी डिस्कनेक्ट हो। हां हां वही ना, इसीलिए तो हमने आपको कहा कि आप डिस्कनेक्ट हो गए, आप बताएं। आप हमें बता रही थी। यस सर, वो आप पूछ रहे थे, मैं बता रही थी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है, आप बताएं। अच्छा चले, हम पूछें तो देख तो लें कि क्या बताना चाह रही थी आप। जी सिल्वर और मर्करी की मिक्सिंग होती है। अच्छा चले ठीक, लेकिन ये सिर्फ सिल्वर और मर्करी की मिक्सिंग ही नहीं होती। सिल्वर मर्करी इसको हम कहते हैं सिल्वर टिन अलॉय, उस अलॉय की मिक्सिंग होती है, ठीक है जी, उसको हम अमलगमेशन कहते हैं। नाउ कोल्ड वर्किंग इज द वर्क अपॉन एनी मेटल और एनी अदर थिंग, बट वी आर स्टडिंग मेटल्स, सो वी आर रेफरेंसिंग मेटल्स। नाउ द कोल्ड वर्किंग इज द वर्क ऑन एनी मेटल टू गिव शेप टू दैट मेटल और अलॉय, सॉरी एंड देन अलॉयज आर ऑलवेज देयर एंड अलॉयज we are discussing metals and alloys both. So the cold working is the work done or to shape any metal or alloy for in a cold state. The name is self-explanatory, that is cold working. You people or we have to shape a metal or alloy in a cold state without heating or without giving raising the temperature of that metal or alloy. Clear hai ji? Yes sir. No, ye do aadmi baat kar rahe hain sir, ductility to beta wire bhi ho ya wire na bhi ho, agar aapke paas kuch aur cheez bhi kisi aur shape mein bhi ho na, to hum usko cold work kar sakte hain. Sheet ko bhi hum kar sakte hain na, शीट हो तो उसको भी हम कोल्ड वर्क कर सकते हैं। अच्छा जी, नाउ द कोल्ड वर्किंग रिलाय ऑन द एबिलिटी ऑफ अ मेटल और अलॉय ऑन इट्स डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी।
That is why in cold working, property of that material which is going to be cold worked, its ductility and malleability is important.